नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल। आज हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के सातवें भाग में सॉयल पोल्यूशन के मुख्य पोल्यूटेंट क्या क्या होते हैं, उनके क्या प्रभाव होते हैं, इनको हम आज विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं छोटा सा परिचय। बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जो कि सॉयल के लिए एक तरह से टॉक्सिक कंटेमिनेंट कहते हैं, सॉयल पोल्यूटेंट कह लीजिए या फिर सॉयल कंटेमिनेंट कह लीजिए, जो कि सॉयल के लिए एक पॉइजन की तरह कार्य करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। जो ये सॉइल कंटेमिनेंट्स होते हैं या पोल्यूटेंट्स होते हैं, दैट कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फेजेस, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है। और ये तीनों फॉर्म में जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं डिपेंड करते हैं सॉइल को, सॉइल में पोल्यूशन का लेवल बढ़ा देते हैं और वहां से होते हुए ये ह्यूमन बॉडी तक पहुंच जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में पहुंचने के दो तरीके हो सकते हैं, या फिर स्किन के द्वारा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के द्वारा, या फिर हम जब श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, उस समय इनहेल किए जाते हैं सॉइल डस्ट के फॉर्म में। ये पोल्यूटेंट्स हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं और बुरा प्रभाव डालते हैं। उसके जो मुख्य सोर्सेज हैं कौन कौन से हैं वो सॉइल पोल्यूशन के, उसमें सबसे प्रमुख है इंडस्ट्रियल वेस्ट। और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो कौन कौन से फॉर्म में पाया जा सकता है, कौन कौन से फॉर्म में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो कंटेमिनेट करता है सॉइल को, उसमें से प्रमुख है क्लोरिनेटेड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, जो सॉल्वेंट्स होते हैं इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं वो, फिर डायोजेंस, ये प्रोड्यूस किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसिनरेशन ऑफ वेस्ट, जब वेस्ट को एनोक्सीजेनिक कंडीशन में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, उसको वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है, उस समय ये डायोजेंस प्रोड्यूस होते हैं और ये एक सॉइल पोल्यूशन का कारक है। उसके अलावा प्लास्टिसाइजर्स होते हैं प्लास्टिक बनाने की प्रक्रिया में, या डिस्पर्सेंट्स होते हैं। उसके अलावा एक प्रमुख है जो दैट इज पॉलीक्लोरिनेटेड बायोफिनाइल, जिसको पीसीबीज के नाम से भी जाना जाता है, इनके बारे में आपको पहले बताया गया है। उसके बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री के द्वारा बहुत सारे ऐसे हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और ये सभी सॉइल में जाते हैं। और इसमें से प्रमुख है जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री का जो वेस्ट है उसमें से प्रमुख है बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन। और ये जो दोनों केमिकल्स हैं जो हाइड्रोकार्बन हैं, दीज आर कार्सिनोजेनिक, ये कैंसर कॉज करने के कारक हैं। दूसरा एक प्रमुख कारक है सॉइल पोल्यूशन का, वो है पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ये एक सिंगल सब्सटेंस हो सकता है या फिर एक मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हो सकता है। और क्यों यूज किया जाता है ये, टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पेस्ट। वो तीन तरह के हो सकते हैं, हर्बिसाइड्स दैट आर यूज टू किल और कंट्रोल वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स, जो कि में यूज किए जाते हैं कि जो अनवांटेड वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए काम ले जाते हैं। उसमें से है ट्राइजाइड्स है, कार्बामेट्स है, एमाइड्स है, फिनॉक्सीअल्काइल एसिड्स हैं, एलिफैटिक एसिड्स हैं, ये सभी हर्बिसाइड्स हैं। इसी तरह इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं जो कि इंसेक्ट्स को किल करने का कार्य करते हैं। इसमें मुख्य है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स एंड पायरेथ्रम। तीसरा टाइप है फंगीसाइड्स का, दैट यूज टू किल पैरासिटिक फंजाई, जो वो कारक फंजाई होते हैं, पैथोजेनिक फंजाई होते हैं, उनको इनहिबिट करने के लिए, उनको किल करने के लिए काम लिया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जो फंगीसाइड्स होते हैं उसमें मरकरी कंटेनिंग कंपाउंड ज्यादा होते हैं, उसके अलावा थायोकार्बामेट्स एंड कॉपर सल्फेट। एक टर्म आता है पेस्टिसाइड ड्रिफ्ट, ये क्या होता है? पेस्टिसाइड ड्रिफ्ट इज अनइंटेंशनल डिफ्यूजन ऑफ पेस्टिसाइड इनटू एनवायरनमेंट। मतलब जानबूझ के नहीं किया जाता, लेकिन जब पेस्टिसाइड यूज करते हैं तो उसका जो अंश है वो एनवायरनमेंट में रह जाता है और ये एनवायरनमेंट तक पहुंचता है बाय डिफ्यूजन ऑफ दोस अदर फैक्टर्स, और इसको कहते हैं पेस्टिसाइड ड्रिफ्ट। एंड दिस पोजेस अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, ये एक तरह से प्रदूषक है, मुख्य प्रदूषक का कार्य करता है, एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि ये वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन दोनों का स्रोत बन जाता है। और बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, वो कैसे आते हैं, जो पेस्टिसाइड के द्वारा जो एनवायरमेंट में फैल जाते हैं केमिकल्स, दैट केमिकल्स पोजेस सेवरल हेल्थ रिस्क टू द ह्यूमन, से मनुष्य के लिए बहुत ही अनुपयोगी हैं और हेल्थ रिस्क क्रिएट करते हैं। दे कैन बी इनहेल्ड या श्वसन के द्वारा ना जाए, या फिर इंजेस्टेड थ्रू फूड, खाने के साथ जाए, या फिर वाटर के द्वारा जाए, या फिर डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट के द्वारा हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ एक्सपोजर, कितनी देर तक वो एक्सपोज किया जाता है उस केमिकल के अगेंस्ट हमारी बॉडी को, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, जो पोल्यूटेंट है उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसके अनुसार ही जो है वो हेल्थ कंसर्न जो है दैट कॉजेस सीरियस हेल्थ कंसर्न। फॉर बच्चों में ज्यादा प्रभावित दिखते हैं ये पोल्यूटेंट्स,
कौन कौन से उसके साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं ह्यूमन बींग में, बर्थ डिफेक्ट्स, पैदाइशी जो डिफेक्ट्स होते हैं वो, एंडोक्राइन डिसरप्शन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो एक्टिविटी है वो डिसरप्ट होती है, प्रभावी होती है, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, ल्यूकेमिया एंड कैंसर, ब्लड डिसऑर्डर्स, डिजीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस डिसऑर्डर भी होता है, एंड इम्यूनिटी डिजीज भी होती है, डिजीज ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ठीक से कार्य नहीं करता। ये सभी जो है पेस्टिसाइड्स के इसके साइड इफेक्ट्स हैं। आप जितने भी आपने देखा पेस्टिसाइड्स में या फिर दूसरे इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसमें से कौन कौन से ऐसे केमिकल्स या कंपाउंड्स हैं जो कि प्रभावी होते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में, मुख्य रूप से सॉइल पोल्यूशन में। उसमें से प्रमुख है लेड। अब एक एक करके थोड़ी विशेषता देख लेते हैं कि कैसे क्या प्रभाव डालते हैं ह्यूमन बींग पे। लेड इज डेंजरस एंड एक्सट्रीमली टॉक्सिक फॉर यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए ज्यादा टॉक्सिक है ये, बहुत कम डोज में भी ये ज्यादा टॉक्सिक, इसकी टॉक्सिसिटी ज्यादा होती है। एंड इन हायर डोजेस, अगर डोज ज्यादा है इसकी, ज्यादा इनहेल किया जाए, ज्यादा फूड के साथ या वाटर के साथ में बॉडी में जाता है, तो इट कैन बी फेटल फॉर ह्यूमन, ये जानलेवा हो सकता है। इसकी क्या क्या प्रभाव है? इरिटेबिलिटी एंड मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, अनस्टेबल माइंड जिसको बोलते हैं, अनस्टेबल मूड होता है, लर्निंग डिफिकल्टीज, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड वॉमिटिंग, फटीग, थकान, फेवर्स, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ाता है ये, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑटिज्म, ऑटिज्म इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंड ग्रोथ रिडक्शन, ग्रोथ कम हो जाती है बच्चों की। एंड ये होती क्यों है? पिट्यूटरी या थायराइड एंड्रोक्राइन सिस्टम जो है उसको, ये उसको निगेटिवली अफेक्ट करता है, जिस वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। दूसरा केमिकल जो है दैट इज मर्करी। मर्करी का आप देखा फंगीसाइड्स में ज्यादा यूज होती है। मर्करी कैन बी प्रेजेंट इन मेनी फॉर्म्स, मेटल के फॉर्म में भी होती है, वेपर के फॉर्म में भी होती है, या फिर सॉल्ट के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है, और ये इनहेल की जा सकती है, या तो श्वसन के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर पहुंचती है, या फिर स्किन के द्वारा, टच के द्वारा। इसके क्या क्या प्रभाव है? मसल वीकनेस एंड एट्रोफी, एट्रोफी मीन्स होता है ग्रोथ रुक जाती है। स्पीच इंपेयरमेंट, ठीक से जबान लड़खड़ाती है, बोल नहीं पाते हैं। लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये सीधा माइंड को इफेक्ट करती है, इसलिए लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। उसके अलावा स्किन पे अगर लगे तो ईचिंग एंड बर्निंग होती है, पेन भी होता है। डैमेज टू ब्रेन, किडनी एंड लंग्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ह्यूमन के, वो भी अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद एक स्पेशल बीमारी है एकोडाइनिया, उसको पिंक डिजीज भी कहते हैं। इसमें होता है क्या है, स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है, जैसे कि स्किन जो है वो पिंक कलर की दिखाई देती है, पिंक चीक्स, फिंगर टिप्स एंड टोज, ये सब पिंक कलर की दिखाई देते हैं। एंड रेड चीक एंड नोज इन अफेक्टेड चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन में ज्यादा लाल कलर की दिखाई देती है स्किन उसकी, स्पेशली चीक एंड नोज। उसके अलावा पी स्क्वेमेशन, इसका मतलब होता है पीलिंग ऑफ इन लेयर्स ऑफ डेड स्किन, जो डेड स्किन है वो एक लेयर्स की फॉर्म में निकलने लगती है, पील ऑफ होने लगती है। नेक्स्ट केमिकल इज आर्सेनिक। आर्सेनिक इज नेचुरली प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, आपको मालूम पहले ही बताया था आपको, जितने भी ये केमिकल्स होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, लेकिन अगर इनकी जो क्वांटिटी है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, आवश्यकता से ज्यादा हो जाती है, तो ये टॉक्सिक की तरह कार्य करते हैं, और वहां पर इनको पोल्यूटेंट्स या फिर कंटेमिनेंट्स कहते हैं। तो ये नेचुरली प्रेजेंट होता है आर्सेनिक भी, क्योंकि ये रिलीज किया जाता है वॉल्केनिक एक्सप्लोजन से, जो ज्वालामुखी फटते हैं वहां से रिलीज होता है, या फिर ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन से आता है। अगर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां पर ये सॉइल में ऊपर आ सकता है। ये दो फॉर्म से, दो तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच सकता है, इफ इंजेस्टेड, अगर खा लिया जाए किसी से भोजन के साथ या पानी के साथ चला जाए हमारे बॉडी के अंदर, तो वहां पर क्या प्रभाव डालता है? स्किन पैटर्न चेंजेस, स्किन का पैटर्न चेंज हो जाता है, कैंसर हो सकते हैं, लीवर, किडनी, ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड लंग कैंसर, ये तो हाई डोज में होता है। ऑल्सो एट लोअर डोजेस डाइजेस्टिव सिस्टम में भी अफेक्टेड, हमारा जो पाचन तंत्र है वो गड़बड़ हो सकता है, खराब हो सकता है, और उसके जो सिम्टम्स है, अगर पाचन तंत्र ठीक नहीं है, उसके सिम्टम्स नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक इरिटेशन, डायरिया एंड डैमेज टू ब्लड वेसल्स। इफ इनहेल, अगर हम श्वसन के द्वारा इसको इनहेल करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो फिर वहां भी स्किन चेंजेस होते हैं, फिर इरिटेशन ऑफ थ्रोट एंड लंग्स, उसके बाद सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है, एंड नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी करता है। नेक्स्ट इज कॉपर। कॉपर कहाँ से आता है? सोर्स ऑफ कॉपर टॉक्सिक कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एक्सपोज्ड कॉपर इन कुकवेयर, हम जो कुकवेयर में इस्तेमाल करते हैं कॉपर, वहां से भी, या फिर कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से भी आ सकता है, और एक्सेसिव यूज ऑफ सप्लीमेंट्री पिल्स, अगर आजकल हर चीज में सप्लीमेंट खाए जाते हैं, हमारे पास जो न्यूट्रिशन की कमी हमारी बॉडी में होती है उसके लिए हम सप्लीमेंट्स यूज करते हैं,
अगर उसकी भी ओवरडोजिंग हो जाए तो इट कैन बी टॉक्सिक। कॉपर वायरिंग, इंसेक्टिसाइड्स एंड अदर अनपोटेटेड प्रोडक्ट्स रिच इन कॉपर कैन आल्सो रिप्रेजेंट कंटेमिनेंट्स। ये सभी जो है कॉपर कंटेमिनेंट्स के कारक हैं। और कैसे प्रभाव डालता है ह्यूमन बॉडी पे? एब्डोमिनल पेन, नाउजिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, नाउजिया वॉमिटिंग होती है। फिर माउथ का जो मुंह का टेस्ट है वो मेटेलिक बना रहता है, उसमें लगता है जैसे कुछ मेटेलिक चीज खा ली है। उसके अलावा चिल्स, एनीमिया, येलो आईज एंड स्टिंग स्किन पिगमेंटेशन, लिवर एंड किडनी फेलियर इन एक्सट्रीम केसेस। अगर बहुत ज्यादा इसकी टॉक्सिसिटी है तो लिवर एंड किडनी फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट इज जिंक। जिंक कैसे प्रभाव डालता है और ये सोर्स क्या है इसका? जिंक कैन इजिली कंटेमिनेट सॉइल एंड वाटर इन एरियाज जहां पर ये माइंस के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और माइनिंग के दौरान ये वहां की सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं। When ingested in excess, अगर ये ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में चला जाता है भोजन या पानी के द्वारा, अगर सॉइल कंटेमिनेटेड है, वाटर कंटेमिनेटेड है, तो ज्यादातर हमारे भोजन के द्वारा हमारे बॉडी में पहुंचता है और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करता है। वो कौन कौन से हैं? कॉपर की डिफिशियंसी हो जाती है, अगर जिंक ज्यादा है तो कॉपर की डिफिशियंसी हो जाती है, कॉपर की कमी हो जाती है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती है, एनोसमिया होती है, लॉस ऑफ स्मेल, स्मेल नहीं आती। जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, फंगल सेप्सिस होती है, लेथार्जी भी होती है, थकान, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड ऑर्गन डैमेज, जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। निकल के क्या स्रोत हैं और क्या प्रभाव है इनका? व्हाइल निकल कैन बी नेचुरली फाउंड इन सॉइल एंड वाटर, इट इज ऑफन एनकाउंटर्ड इन एरियाज विद ह्यूमन पॉल्यूशन। ज्यादातर नेचुरली तो पाए जाते हैं निकल, माइक्रोन्यूट्रिएंट, लेकिन अगर अधिकता है इसकी तो ये पॉल्यूटेंट्स की तरह कार्य करते हैं। अगर ज्यादा डोज जो है बॉडी अंदर जाती है इट इज टॉक्सिक एंड मे कॉज सीरियस हेल्थ कंडीशन। वो कौन कौन से हैं? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, स्किन के ऊपर डिजीज होती है डर्मेटाइटिस, लंग कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। चाइल्डहुड डेवलपमेंट इश्यूज, बच्चों में जो ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, वो अफेक्टेड होता है। उसके अलावा किडनी एंड लिवर फेलियर भी हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है इससे। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉल्यूटेंट है दैट इज वेरी स्पेशल टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, उसको बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये कहाँ से आता है और क्या इसका प्रभाव क्या है? इसको शॉर्ट में PAH भी कहते हैं। दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होता है सिर्फ, एंड कंटेन मोर देन वन एरोमेटिक रिंग। और एरोमेटिक है, नाम ही आपको लिखा है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन एरोमेटिक जो रिंग है वो एक से ज्यादा हो सकती है। उसके एग्जाम्पल है नैप्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनेलिन। ये जो है ये तीनों पीएच कैटेगरी में आते हैं। एक्सपोजर टू पीएच कॉजेस सेवरल फॉर्म्स ऑफ कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। इनके एक्सपोजर से कैंसर एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है। इसके स्रोत कहाँ है, ये आता कहाँ से है? ड्यू टू पीएच कैन बी अ सोर्स टू कोक प्रोसेसिंग, कोल प्रोसेसिंग के द्वारा ये निकलते हैं, या फिर व्हीकल इमिशन के द्वारा निकलते हैं। ये पेट्रोकेमिकल का बाई प्रोडक्ट है, एक तरह से जो पेट्रोकेमिकल्स यूज किए जाते हैं व्हीकल्स में यातायात के साधनों में, पेट्रोल या डीजल उसमें से आते हैं, सिगरेट स्मोक में आते हैं, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ शेल ऑयल, जो अंडरग्राउंड से ऑयल निकाली जाती है, ऑयल एक्सट्रैक्शन किया जाता है उसमें ये निकलते हैं, और ये मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। तीन कैटेगरी में हम देख सकते हैं, ह्यूमन बींग पे क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल पे क्या होता है, इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग, दो तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इफेक्ट थोड़ी देर के लिए जो होते हैं, एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट लंबे समय तक जो प्रभाव बना रहता है। शॉर्ट टर्म में हेडेक, नाउजिया, वॉमिटिंग, इरिटेशन ऑफ आई एंड स्किन, फटीग एंड वीकनेस, ये सब कुछ समय के लिए होता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट का होता है जब हम बहुत समय तक उस सॉइल पॉल्यूटेंट के कॉन्टैक्ट में हैं, उसको इनहेल कर रहे हैं, उसको किसी फॉर्म में इंजेस्ट कर रहे हैं, तो जो इफेक्ट है दैट इज लॉन्ग टर्म होता है। और उसमें होता है क्या, परमानेंट डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकती है। चिल्ड्रंस आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू लेड, लेड के प्रभाव से चिल्ड्रन में जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो सकती है। उसके अलावा डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS का डिप्रेशन, यानी कि वो ठीक से काम नहीं करता। डैमेज टू वाइटल ऑर्गन्स, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे किडनी, लिवर, इनका फंक्शन प्रभावित होता है, ठीक से कार्य नहीं करते। उसके अलावा हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, कैंसर डेवलप हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं।
अब प्लांट एंड एनिमल पे इसके क्या प्रभाव है? Since soil pollution is often accompanied by the decrease in availability of nutrients, क्योंकि soil pollution का बढ़ जाता है तो जो naturally available nutrients होते हैं वो कम हो जाते हैं soil में, तो उसके जो plant के growth and development पे प्रभाव पड़ता है, और most of the effects are negative. Soils contaminated with inorganic aluminium can prove toxic to plants. अगर aluminium की toxicity ज़्यादा है soil में तो वो plants के लिए toxic की तरह कार्य करता है. उसके अलावा सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है सॉइल की, और क्षारीयता बढ़ने की वजह से इनहॉस्पिटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट इसे ग्रो नहीं कर पाता. प्लांट अगर ग्रोन इन पोल्यूटेड सॉइल, वो प्लांट जो कि पोल्यूटेड सॉइल जहाँ पोल्यूशन की मात्रा ज्यादा है वहां अगर कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसमें क्या होगा, जो पोल्यूटेंट वहां प्रेजेंट है वो प्लांट में हायर कंसंट्रेशन में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और इस प्रोसेस को बायो एक्यूमुलेशन भी कहते हैं. And when these plants are consumed by herbivores, जो कि प्लांट में प्रेजेंट है, तो herbivores जो एनिमल्स होते हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, उस एनिमल्स को ह्यूमन बींग कंज्यूम करते हैं तो ह्यूमन तक पहुंचता है. तो एक तरह से जो सॉइल पोल्यूशन का जो है ये पोल्यूटेंट्स हैं वो सीधा फूड चेन तक पहुंच जाते हैं. अब देखते हैं जो सॉइल पोल्यूटेंट्स हैं उनका इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है. अभी तक आपने देखा जो ह्यूमन प्लांट एनिमल वो सभी कुछ थे, वो सभी इकोसिस्टम के पार्ट हैं, लेकिन वो हमने जो पढ़ा उसको डायरेक्ट रिएक्शन जो था वो ह्यूमन के ऊपर प्लांट्स के ऊपर उसको देखा. अब एक कंसोलिडेटेड फॉर्म लेते हैं इकोसिस्टम पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है. सिंस द वोलेटाइल कंटेमिनेंट्स जो होते हैं इन सॉइल दैट कैन बी कैरीड अवे इनटू द एटमॉस्फेयर बाय विंड, या तो हवा के द्वारा एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, या फिर दैट कैन सीप इनटू द अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व्स, या तो फिर वो वाटर रिजर्व तक पहुंचते हैं सीपेज के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं. तो सॉइल पोल्यूशन कैन बी डायरेक्ट कंट्रीब्यूटर टू सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन. तो जो सॉइल पोल्यूशन है वो एक तरह से डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन को एंड वाटर पोल्यूशन को, और इट इज दिस प्रोसेस इज वाइस वर्सा. जो एयर पोल्यूशन में जो प्रेजेंट है, एयर पोल्यूशन में जो पोल्यूटेंट प्रेजेंट है वो प्रेसिपिटेशन के साथ सॉइल तक पहुंचते हैं, और वहां से रनऑफ के द्वारा वाटर तक पहुंचते हैं. जो वाटर में है वो सॉइल तक पहुंचते हैं, जो सॉइल एंड वाटर में है वो सीधा एयर तक पहुंचते हैं. तो ये तरह से चेन की तरह का वेब की तरह कार्य करते हैं. वो तीनों जो है पोल्यूशन अगर प्रेजेंट है तो वो तीनों जगह प्रेजेंट मिलेगा आपको. एंड इट कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एसिड रेन. जो पोल्यूशन प्रेजेंट है, पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, दैट कैन कंट्रीब्यूट टू एसिड रेन. एसिड रेन का हो सकता है क्योंकि एयर में अगर प्रेजेंट है तो प्रेसिपिटेशन होगा और वो एसिड रेन के फॉर्म में सॉइल तक पहुंचता है. कैसे? बाय रिलीजिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ अमोनिया इनटू द एटमॉस्फेयर. ये सॉइल के जो रिएक्शन होते हैं, माइक्रोब्स रिएक्शन होते हैं, उसमें अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं और सीधा एटमॉस्फेयर तक पहुंचती है, और वो जो अमोनिया प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में वो एसिड रेन के द्वारा वापस सॉइल तक आ जाती है. उसके अलावा एसिडिक सॉइल जो होते हैं दैट आर इनहॉस्पिटेबल टू सेवरल माइक्रोब्स. जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है सॉइल में वो उनके लिए जो क्लाइमेट है सॉइल का वो ठीक नहीं रहता, वहां पर वो नहीं जीवित रह सकते हैं. तो जो माइक्रोब्स हैं दैट इंप्रूव सॉइल टेक्सचर एंड हेल्प इन द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. इन माइक्रोब्स का रोल है सॉइल टेक्सचर को मेंटेन करने में एंड जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको डीकम्पोज करने में. लेकिन अगर सॉइल एसिडिक हो गया है पोल्यूशन की वजह से तो वहां पर वो माइक्रोब्स नहीं रह जाते, और जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ठीक से डिकम्पोज नहीं होती है, सॉइल की प्रॉपर्टी अफेक्टेड होती है, टेक्सचर एंड ऑर्गेनिक कंटेंट भी. दस द निगेटिव इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन ऑल्सो इम्पैक्ट सॉइल क्वालिटी एंड टेक्सचर एंड दस क्रॉप यील्ड. तो इस तरह से सॉइल पोल्यूशन का जो निगेटिव इफेक्ट है वो सॉइल की क्वालिटी, सॉइल का टेक्सचर को अफेक्ट करता है, उसमें प्रभाव डालता है निगेटिवली, और इसी वजह से जो क्रॉप यील्ड है, पैदावार होती है, वो भी कम होती है. लास्ट में देखते हैं कंट्रोल ऑफ सॉइल पोल्यूशन, इसको कैसे कंट्रोल करें. उसके कुछ मुख्य स्टेप्स हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं सॉइल रिमेडिएशन या फिर डीकंटेमिनेशन. सॉइल में से उस पोल्यूशन को हटा दिया जाए. वो कैसे कर सकते हैं? एक्सकवेशन एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोल्यूटेड सॉइल टू रिमोट अनइनहैबिटेड लोकेशंस. जो पोल्यूटेड सॉइल है वो वहां से उठाकर एक्सकवेट करके अनइनहैबिटेड लोकेशन जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है वहां पर पहुंचा दिया जाए, वहां पर डंप कर दिया जाए. दूसरा थर्मल रेमेडिएशन, ये कैसे करते हैं? द टेम्परेचर इज रेज्ड इन ऑर्डर टू फोर्स द कंटेमिनेंट्स इनटू वेपर फेज. टेम्परेचर बढ़ा दिया जाती है सॉइल की जिससे कि जो कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट है वो वेपर फॉर्म में वेपोरेट हो जाए. आफ्टर विच दे कैन बी कलेक्टेड थ्रू वेपर एक्सट्रैक्शन. और जो वोलेटाइल फॉर्म आ जाते हैं कंटेमिनेंट्स उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, वेपर एक्सट्रैक्शन के द्वारा उसको कलेक्ट कर लिया जाता है.
नेक्स्ट इज बायोरेमेडिएशन और फाइटोरेमेडिएशन. ये क्या होता है? दैट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ माइक्रोब्स एंड प्लांट्स फॉर द डीकंटेमिनेशन ऑफ सॉइल. जो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ जो पॉल्यूटेंट्स को है, मेटल्स को या फिर दूसरे जो एलिमेंटल आपने पढ़ा भी, लेड मर्करी जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो ऐसे प्लांट वहां पर लगाए जाए जो उनको एब्जॉर्ब कर लें सॉइल से, जिससे कि सॉइल का जो नेचुरल कंपोजिशन है मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, वो मेंटेन रहे. लास्ट इज माइक्रो रेमेडिएशन, यूज ऑफ फंजाई फॉर द एक्युमुलेशन ऑफ हेवी मेटल कंटेमिनेंट्स. फंजाई यूज करके, ऐसे फंजाई यूज किया जाता है जो कि एक्युमुलेट कर सके हेवी मेटल्स वहां पर प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कंटेमिनेंट्स, उनको एब्जॉर्ब कर सके. दिस इज ऑल अबाउट सॉइल पोल्यूशन. धन्यवाद. आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. धन्यवाद.